नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेक्स फैक्ट के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं फैक्ट से रिलेटेड पास्ट में और जानेंगे कि सेक्स का उदय कहां से हुआ। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमारी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस पर है, हमारा उद्देश्य किसी धर्म और समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारे सारे के सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलते अपने पास्ट में और जानते हैं सेक्स का उदय कहां से हुआ। हिंदू धर्म में कामदेव, कामसूत्र, कामशास्त्र चार पुरुषार्थों में से एक काम की चर्चा बहुत होती है। खजुराहो में कामसूत्र संबंधित कई मूर्तियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या काम का अर्थ सेक्सी है? नहीं, काम का अर्थ होता है कार्य, कामना और कामेच्छा, वह सारे कार्य जिससे जीवन आनंददायक, सुखी, शुभ और सुंदर बनता है। काम के अंतर्गत ही आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने कामदेव के बारे में सुना या पढ़ा होगा। पौराणिक काल की कई कहानियों में कामदेव का उल्लेख मिलता है। जितनी भी कहानियों में कामदेव के बारे में जहां कहीं भी उल्लेख हुआ है, उन्हें पढ़कर एक बात जो समझ आती है वह ये है कि कामदेव का संबंध प्रेम और कामेच्छा से है। लेकिन असल में कामदेव है कौन? क्या वह एक काल्पनिक भाव है जो देव और ऋषियों को सताता रहता था, या कि वह किसी भी देवता की तरह एक देवता थे? आ जाओ जानते हैं कामदेव के बारे में कुछ अमेजिंग रहस्य। कामदेव का परिवार, पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मचारी के पुत्र हैं और इनकी संबंध भगवान शिव से भी है। कुछ जगह धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनका अविभाव हुआ माना जाता है। प्रेम के देवता, जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। कामदेव के अन्य नाम भी हैं, जैसे रागवृत, अनंग, कंदर्प, मथमन, मनसिजा, मदन, रतिकांत, पुष्पावन तथा पुष्पदंड आदि कामदेव के प्रसिद्ध नाम। कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। कहीं कहीं कामदेव को यज्ञ की संज्ञा भी दी गई है। कामदेव का स्वरूप, कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुग तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं, जैसे कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे भी बताया गया है। कामदेव के धनुष बाण, उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिसे मधुमक्खियों की शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ में पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले, कमल, चमेली और आम के पेड़ लगने वाले फूलों से बने होते हैं। दोस्तों ये थी कुछ सूत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन, और ये अभी पूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता तो काफी लेंदी वीडियो बन जाती। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें।